और ये सौभाग्य जिनकी बदौलत हमें उपलब्ध हुआ है, ऐसे उन राम जी के चरणों में जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां दी, जिन्होंने संघर्ष किया, तप किया, उन सबको प्रणाम करते हुए रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। राम हमारे लिए राम भी हैं, राम हमारे लिए धर्म के विग्रह भी हैं, राम पूर्वज भी हैं, वो परात्पर ब्रह्म भी हैं, और राम हिंदुओं के तो आराध्य ही सनातन धर्मियों के, मुनि जी महाराज बैठे हैं, जैनों के भी आराध्य हैं, सिखों के भी आराध्य हैं, बुद्धों के भी आराध्य हैं, लिंगायत के भी आराध्य हैं। हमारे यहाँ नाथ परंपरा बहुत बड़ी, सनातन धर्म के मत पंथ संप्रदाय और महापुरुष राम जी से प्रीति करते हैं, और राम मंदिर में राम विराजमान होना टेंट में कितने वर्षों से एक संघर्ष चल रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं राम जी का मंदिर का शिखर पूरा नहीं बना, अरे टेंट से राम जी इतने दिव्य भव्य मंदिर में आ रहे हैं, इस पर विवाद क्यों करते मेरे भाई। और मैं तो एक बात और कहता हूं, जो साधु है, जो सच्चा सत्य है, किसी भी मत पर जो साधु है, जो व्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार से राम का विरोध कर ही नहीं सकता, और जो राम का विरोध करता वो साधु हो ही नहीं सकता। फिर बात विरोध की तो आती ही नहीं है। आजादी के 75-76 वर्षों के बाद वो राजनीतिक आजादी थी जो हमने 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की थी, 22 जनवरी 2024 ये भारत की सनातन सांस्कृतिक आजादी का महापर्व है, ये सनातन सांस्कृतिक आजादी का महापर्व है, ये हमारे सांस्कृतिक लोकतंत्र का महापर्व है। एक हमारा राजनीतिक लोकतांत्रिक तरीका है, एक राजनीतिक का हमारा संविधान है, लेकिन अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनना ये हमारे सांस्कृतिक संविधान का, हमारे धर्म तंत्र का, लोकतंत्र के द्वारा दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सम्मान। अभी तक देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो मुखर रूप से सनातन धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा से भारत में छद्म रूप से धर्म निरपेक्ष शब्द का छद्म प्रयोग करके, जबकि धर्म निरपेक्ष नाम का कोई तत्व है ही नहीं, मूलतः तत्व है पंथ निरपेक्षता, उसको तो हम सब मानते हैं, लेकिन इस देश को धर्म निरपेक्षता के छद्म जाल में फंसाया गया, लोगों को राम से विमुख किया गया। आज हमारा सौभाग्य है कि एक तरफ राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण हो चुका है, और राम मंदिर के निर्माण के साथ चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण की एक नई आधारशिला रखी जा रही है, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। तो ये राम मंदिर निर्माण ये राष्ट्र के चरित्र निर्माण की और एक नए युग के निर्माण का एक बहुत बड़ा शंखनाद है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र पर विवाद खड़ा करते थे, आजकल मुझे एक बड़ी प्रसन्नता है, जो यूट्यूबर्स भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव आदि को कोसते थे, गालियां देते थे, वो भी कहते हैं अरे राम जी का आदर होना चाहिए। चलो इतनी तो शब्द आई इन असुरों को भी तो हाँ, जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे वो भी कह रहे हैं राम मंदिर का कार्य विधि विधान से होना चाहिए। और एक बात, चाहे लोगों ये माइक में ठीक से काम कर सकता है क्या, ओम ओम। तो देखो हिंदू राष्ट्र पर लाख प्रश्न खड़े किए हो, लेकिन अब देश में राम राज्य आ चुका है और भव्य दिव्य रूप से आने वाला है। तो ये राम मंदिर राम राज्य का शंखनाद है।
हम आपसे पूज्य साध्वी रितंबरा दीदी जी जिन्होंने जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।